सर्दियों के मौसम में मोटी मिर्ची का अचार न बनाया तो फिर क्या बनाया, क्योंकि इसी दिन तो ये मोटी मिर्ची का सीजन आता है, तो क्यों न इसका भरवा अचार बनाएं। हेलो व्यूअर्स, मैं संगीता, आपका अपने चैनल मसाला फ्राई पैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मसाला फ्राई पैन में बहुत ही स्वादिष्ट मोटी हरी मिर्ची की भरवा अचार बनने जा रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और चलिए बनाते हैं। भरवा अचार बनाने के लिए सबसे पहले ताजी हरी मोटी मोटी मिर्चियां ले लेंगे। मैंने इसे धो करके साफ कर लिया है और पानी इसका अच्छे से धूप में सुखा लिया है। आप कपड़े से पोंछ लें और इसे अच्छे से सुखा लें। इसमें पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। अब इसके डंडल को काट के हटा देंगे और यूं मिर्ची में चीरा लगा देंगे। चीरा बस बीच में ही लगाएं, बिल्कुल अलग ना करें। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं। सरसों के तेल में अचार बनाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे और ज़्यादा दिन टिकेंगे। तो यूँ गर्म करके तेल डालने से हमारा अचार ज़्यादा समय के लिए चलता है, वो सालों साल भी खराब नहीं होता। आप अगर सरसों तेल पसंद नहीं करते तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, पर सरसों के तेल में अचार का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके झांस को मारने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तेल अच्छे से कड़क जाए, उससे धुआं निकलने लगे, तब इसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तेल को बिल्कुल ठंडा करना है तो इसे गर्म करने के बाद रख देंगे बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए। अब इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं। 6 चम्मच के करीब सरसों ले लेंगे, 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच अजवाइन, 4 से 5 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और 8 से 10 सूखी लाल मिर्ची। आप इस नाप से मसाले डालेंगे तो आपके अचार का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसी तरह से बनाया है और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसीलिए मसाले का माप आप यही रखें। आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या कम पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। अब इन सब को हल्का सा गर्म कर लेंगे, 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे। सारे मसाले हल्के से भून जाएंगे तो इसमें खुशबू भी आ जाएगी और इसका नमी भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अब जाएगा इसमें नमक। नमक स्वाद के अनुसार से थोड़ा ज़्यादा ही रखें। मैंने यहाँ 4 चम्मच नमक डाला है। अचार में नमक ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि तेल फिर डालने के बाद, पकने के बाद वो फीका ना हो जाए, इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। सबको यूँ दरदरा पीस लेंगे ठंडा करने के बाद। इसे पूरा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही पीसना है। इन मसालों में 1/2 चम्मच हींग डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो तेल गर्म करके रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। 2 बड़ा चम्मच तेल इन मसालों में मिला देंगे अच्छी तरह से। हमें तेल से इन मसालों को अच्छी तरह से सानना है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच तेल लग गए। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिला के हम तैयार कर लेंगे।
अब चलते हैं इन मसालों को अपनी मिर्चियों में भरने के लिए। तो यूँ इसे अपनी उंगलियों के सहारे इसमें अच्छी तरह से भर दें। इतनी कड़ाके की सर्दी में अपने हाथों को यूँ गीला गीला करके मैंने इतनी स्वादिष्ट मिर्ची आपको बताई है, तो क्या आपने सब्सक्राइब अभी तक किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, तभी तो मैं नई रेसिपी लेकर के आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊंगी। और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं और अपना प्यार हमारे चैनल को यूं ही देते रहें, तभी तो हमारा उत्साह और बढ़ते रहेगा और हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। ये मिर्ची का भरवा आप इस तरह से एक बार बनाएं और अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को खिलाएं, वो आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे क्योंकि इसका स्वाद ही है लाजवाब। अब इसको स्टोर करने के लिए किसी भी डब्बे, कैन, बोयाम, आप जिसमें भी इसे रखना चाहते हैं, उसे अच्छे से धो करके, साफ करके धूप में सुखा लें। उससे क्या होगा कि उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी और बदबू भी जो होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ही आप अचार उसमें स्टोर करें। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके अचार सालों साल चलेंगे। आप अगर अचार निकालने जाते हैं तो आपके हाथ या स्पून बिल्कुल ही सूखे हुए होने चाहिए। इसे पानी और नमी से बचा करके रखेंगे तो ये सालों साल खराब नहीं होते और स्वाद और बढ़ते रहता है। मैंने सारे मिर्ची को इस डब्बे में स्टोर कर दिया। अब तेल जो गर्म करके रखा था वो बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है, तो उसे इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ आधा किलो मिर्ची लिया था तो उसमें एक किलो के करीब तेल डाला है। तेल इतना डाल दें कि उसमें मिर्ची डूबा हुआ रहे। अब इसे ढक करके इसे धूप में पकने रख दें। 2 से 3 दिन के बाद ही आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। यकीन माने इस तरह से एक बार बना करके ज़रूर खाएं। आप मेरी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।